बॉलीवुड स्टार सनी देओल ने लंबे वक्त बाद थिएटर्स पर कदम रखा है। फिल्म स्टार सनी देओल आखिरी बार साल 2019 में फिल्म ब्लैंक में दिखे थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भले ही खास सफलता नहीं मिली थी, मगर फिल्म दर्शकों की वाहवाही जरूर ले गई थी। अब एक बार फिर फिल्म स्टार सनी देओल अपनी अगली फिल्म चुप के साथ सिल्वर स्क्रीन पहुंचे हैं, जिसे पहले दिन दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस फिल्म को रिलीज वाले दिन नेशनल सिनेमा डे होने का फायदा भी मिला है और सस्ती टिकट की वजह से दर्शक थिएटर दौड़े, जिसका असर फिल्म के कारोबार पर साफ देखने को मिला है। बिना किसी भारी भरकम प्रमोशन के थिएटर पहुंची मलयालम सुपरस्टार दुलकर सलमान और सनी देओल स्टारर निर्देशक और आर बालकी की फिल्म चुप ने पहले दिन ठीक ठाक कमाई की है। इस फिल्म ने पहले दिन थिएटर से पूरे 3 करोड़ रुपए हासिल कर लिए है। ये फिल्म की अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। फिल्म को मिले पॉजिटिव फीडबैक के बाद अब फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन के आंकड़े पर लोगों की नजर है। पहले वीकेंड इस फिल्म के लिए क्रूशियल होने वाला है। पहले दिन के बाद दूसरे तीसरे दिन टिकट प्राइजे नॉर्मल रेंज पर आ गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि फिल्म इन दोनों दिनों में कैसा परफॉर्म करती है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म उस वक्त थिएटर पहुंची है जब सिल्वर स्क्रीन पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र मजबूती से खड़ी है। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया है और फिल्म अच्छी कमाई के आंकड़े पेश कर रही है। ऐसे में सनी देओल और दुलकर सलमान की फिल्म दर्शकों को कितनी बड़ी संख्या में थिएटर खींचकर ला पाएगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मेट्रो मुंबई के लिए नितेश ठाकुर की रिपोर्ट। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।